I know it sounds boring, but yes, you have to do it. You have to deal with it. ठीक है? You will not like every part of your preparation journey, यार. But you will definitely like the result. And you're working for the result. To shine like a star, you have to burn like a star. So hey guys, welcome back to the channel. I'm Arnath Singh, intern at AIIMS New Delhi. इस वीडियो में क्योंकि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ने मेरे से डिमांड की थी कि भैया आप ये बताइए कि अगर मैं 2023 या 2024 एस्पिरेंट हूँ, मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ, उसके साथ मेरे को कोचिंग मैनेज करना है, तो मैं कैसे करूँ, आप कैसे करते थे, आप अपनी स्टोरी बताइए, आई विल ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, राइट. सो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताने वाला हूँ, मेरा दिन का अगर सबसे बिजी डे भी है तो मैं कैसे उसको मैनेज करते थे, दैट इज जिस दिन स्कूल और कोचिंग सेम डे पर जाता था उस दिन मैं कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करता था, राइट. सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा यार, ठीक है. एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं आपको यू नो बिफोर आई गिव यू द एग्जैक्ट टाइम टेबल, आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड अगर आप स्कूल और कोचिंग दोनों को मैनेज कर रहे हो. देखो यार, मेरी रैंक 9 आई थी नीट में, एम्स में 11 थी, मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, स्कूल में भी मेरे सीबीएसई में 96.2% आए थे, अटेंडेंस कंपलसरी था, उसके बगैर आप जानते हो स्कूल में आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता, ठीक है. सो स्कूल और कोचिंग दोनों को मैनेज करने के लिए, ठीक है, मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यार ये देखो कि तुम्हारा ना कई पैटर्न में स्कूल चल सकता है, तुम्हारा ऑल्टरनेट स्कूल कोचिंग भी चल सकता है. कई बार मेरा ऐसा भी स्केड्यूल चला, कई बार ऐसे भी था कि 5 days स्कूल, वीकेंड पे कोचिंग, और कई बार डेली स्कूल एंड कोचिंग, वीकेंड ऑफ, इस फॉर्मेट में भी चला. आई फील डेली स्कूल एंड कोचिंग विथ वीकेंड ऑफ काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि 5 दिन आपको स्कूल और कोचिंग दोनों को मैनेज करना होता है. एंड इसको मैनेज करना ना, इट्स अ ग्रेट स्किल, इट्स एन अंडररेटेड स्किल. जो ये कर लेता है, वो जो समझ जाता है कि कैसे स्कूल और कोचिंग को मैनेज करना है, ठीक है, उसको डमी स्कूल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. मैं डमी स्कूल में नहीं था, जो डमी स्कूल वाले थे कोटा वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, उनसे भी बेटर मैं परफॉर्म करके आया था फाइनली, ठीक है, क्योंकि उस मेरे अंदर वो जज्बा था, मेरे अंदर वो ग्रिट, वो डिटर्मिनेशन थी, वो आपको भी रखनी पड़ेगी. एंड देयरफॉर आई वांट टू टेल यू दैट कि यार अगर स्कूल और कोचिंग मैनेज करना है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग हेरी ऑडेशियस गोल फॉर यू, ठीक है. यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि दैट यू हैव टू गो ऑल इन. आपका सिर्फ और सिर्फ एक गोल होना चाहिए, एकमात्र गोल होना चाहिए, वो है अपने एग्जाम को फोड़ना, वो जेई का हो, नीट का हो, अगर स्कूल के साथ मैनेज करना, क्योंकि आपको एंड में, अगर आप स्टार्टिंग से मैनेज नहीं करते हो तो आपको एंड में बोर्ड्स में भी टाइम देना पड़ेगा, उसकी फाइलें भी बनानी पड़ेगी. तो स्टार्टिंग से आपको याद रखना है, इट इज गोइंग टू बी टफ, बट यू आर रेडी फॉर इट. यू हैव टू राइज अप टू द चैलेंजेस एंड यू आर नॉट गोइंग टू डिकम्पोज अंडर द प्रेशर. इट इज गोइंग टू बी यू नो समटाइम वेरी एग्जॉस्टिंग एंड वेरी हेक्टिक, बट येस यू आर मेंट टू डू बिग थिंग्स इन लाइफ एंड आप ये चीज कर सकते हो. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू टेल दिस टू योरसेल्फ एवरी डे यू वेक अप इन द मॉर्निंग दैट यू कैन डू इट, यू विल राइज अप टू द चैलेंज, यू आर नॉट गोना डिकम्पोज, राइट. नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू प्लान बिफोर हैंड एंड उसको एग्जीक्यूट करना भी है. एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्लान कर रहे हो और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल गाइज, यू विल बी इन ग्रेट ट्रबल. सो आपको टू डू लिस्ट अपना बना के रखना है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिफोर गोइंग टू बेड आपको नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बना के रखना है, सो दैट सुबह उठते ही आप चार्ज्ड अप रहो और अपने स्केड्यूल को यू नो काफी एक लैमिनर वे में बिना ज्यादा टर्बुलेंस के मैनेज कर पाओ, वरना आपकी एनर्जी इसी में चली जाएगी कि यार मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, कैसे मैनेज करूँ, ये सोचने में ही टाइम आपका चला जाएगा. इसलिए मैं सब कुछ ये सारी चीजें प्लान आउट करके रखता था और अपने आप से आपको दो चीजें यू नो प्री रिक्विजिट के तौर पे पूछनी है, ठीक है. क्या आपका यू नो योर हंगर टू सक्सीड, इफ योर अर्ज टू सक्सीड इज एज बैड एज यू वॉन्ट टू ब्रीथ, यू विल बी सक्सेसफुल आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंसिस्टेंट हार्डवर्क. ये याद रखना यार, ठीक है. दूसरी चीज, एक और जो प्री रिक्विजिट है स्कूल और कोचिंग को मैनेज करने का, वो ये, मैं ऐसे एक जैसे तुम एक मतलब रेत से पानी निचोड़ते हो ना, या फिर किसी नींबू से तुम रस उसका निकालते हो, वैसे तुम्हें पूरा टाइम स्क्वीज करके यूटिलाइज करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और वो तभी होता है जब तुम्हारे अंदर एक ऐसी अर्ज होती है कि यार मेरे को किसी भी हाल में मेरे को नीट फोड़ देना, स्कूल के साथ मैनेज करके दिखाना है, और मेरे को मैंने सोच रखा था बनारस का पहला बंदा बनूंगा जो एम्स दिल्ली क्रैक किया है, यू नो बनारस में रह करके वहां से ही पढ़ाई करके,
राइट, भले ही छोटी कोचिंग मैं ज्वाइन करूं या बड़ी कोचिंग ज्वाइन करूं, डजंट मैटर, मैं बनारस में रह करके स्कूल के साथ मैनेज करके दिखाऊंगा एंड इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, सबसे हेक्टिक डे को भी आप कैसे मैनेज करते हो। मैंने कैसे मैनेज किया मैं आपको बताता हूँ। पहले 6 बजे मैं उठ गया, ठीक है, आई वुड वेक अप, वॉशरूम, बेदिंग, ब्रेकफास्ट, प्रेयर। इसके अलावा मैं जब उठ के ब्रश कर रहा होता तो उस समय मैं फॉर्मूला शीट या एग्जाम्पल्स रिवाइज कर रहा होता था, राइट। आपको टाइम मैनेज करना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला शीट्स या आप एग्जाम्पल्स पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, जहाँ पे आप वॉशिंग, आपका वॉश बेसिन सिंक होता है वहाँ पे पेस्ट कर दो, आप स्टडी टेबल पेस्ट कर दो, वहीं पे जा करके ब्रश करो, या फिर लेकर ब्रश करते हुए आप घूमो, ठीक है, यू नो, घूम के आप ब्रश कर रहे हो, टहल रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला शीट से चीज़ें रिवाइज करनी है। फिर 7 AM आपकी बस आ जाएगी, राइट। अब बस में जब आप हो तो आपको ये गप्पे वप्पे नहीं मारने, ठीक है, ये नहीं कि गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर देख रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ठीक है, वो सब नहीं करना है। तो मैं चुपचाप NCERT रिवाइज करनी है, और यही मैं किया करता था, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है यार, चीज़ें कैसे होती हैं? अगर तुम एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़े हो तो भाई दुनिया में बहुत ढेर सारे लोग हैं जो वो क्रैक करने के लिए पूरे टाइम फ्री है, ठीक है। वो जो तुम्हारा गोल है ना उसको क्रैक करने के लिए लोग डमी स्कूल में है भाई, समझ रहे हो। कई लोग जो हैं ड्रॉपर्स हैं, जो बैठ करके पूरे दिन पढ़ाई कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो तुम कैसे कर सकते हो अगर तुम सारा टाइम यूज़ ना करो, यही मैं सोचता था, ठीक है। तो इसलिए बस में भी मैं NCERT रिवाइज़ करते हुए जाता था। 7:30 AM पहुंच गया स्कूल, उसके बाद मेरा फोकस क्या रहता था स्कूल में कि NCERT बायो और इनऑर्गेनिक और या फिर ऑर्गेनिक की कुछ ना कुछ मेरे को रिवाइज करना है पूरे स्कूल में, जब भी मेरे को समय मिले। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बैक सीट मिल जाती वहां बैठ करके मैं नीचे पढ़ता रहता, ऊपर फिजिक्स की किताब खोल लेता, क्योंकि टीचर्स अगर फिजिक्स के यू नो वो टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बाद में पढ़ाया जाएगा, आई नो कोचिंग में पढ़ा दिया जाएगा, वहां से मैं समझ लूंगा, तो मैं चुपचाप ऊपर किताब खोल देता फिजिक्स की, पर नीचे मैं क्या कर रहा होता, चुपचाप बायो रिवाइज कर रहा होता या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक। फिर फ्री पीरियड में मैं क्या करता, फिर यही सारी चीज़ें पढ़ा होता। आई नो इट साउंड्स बोरिंग, पर यस यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डील विद इट, ठीक है। You will not like every part of your preparation journey, but you will definitely like the result, and you are working for the result. To shine like a star, you have to burn like a star. लाइब्रेरी का टाइम यूज़ कर लिया, जब भी लाइब्रेरी जाने का मौका मिला वहाँ चले गए, ये नहीं कि इधर उधर गॉसिप कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, ये सब नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है, एज सिंपल एज दैट। ब्रेक्स को भी यूज़ किया, दो क्लास के बीच में 10-15 मिनट लग जाते टीचर को आने में, टाइम यूज़ किया, ठीक। फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लिया, बहुत बोरिंग हो रहा है यार, किसी फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, फिजिक्स के सवाल लगा लिया, DPP जो मिली वो लगा ली, ठीक है। अगर कभी स्कूल का कोई प्रोजेक्ट मिलता है आपको, कुछ होमवर्क टाइप का मिलता है, वो फाइल मैं स्कूल में ही कोशिश करता था कंप्लीट करके रख लूँ टाइम निकाल निकाल, क्योंकि घर पे जाऊँगा तो सेल्फ स्टडी करूँगा, ठीक है। ये मैं मोस्ट हेक्टिक डे की बात कर रहा हूँ, जब मेरा स्कूल और कोचिंग दोनों सेम डे होता था तब मैं कैसे मैनेज करता था, तो आपको दिखाऊंगा कैसे आप सेल्फ स्टडी का अच्छे से टाइम यू नो निचोड़ करके, वो जो मैंने लेमन दिखाया था ना आपको नींबू, वैसे आप निचोड़ करके टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। 1 PM स्कूल एंड्स, आई बोर्ड द बस, बस में वापस आते वक्त भी मैंने NCERT रिवाइज की, घर पे आया, चेंज किया, लंच किया, एंड फिर हाँ दो चीज़ें मैं कर सकता था, या तो कभी कभी पावर नैप लेता था, पर अगर मैंने रात को अच्छे से नींद मेरे को मिल गई है तो मैं चुपचाप पढ़ने बैठ जाता था। कोई इधर एक्सक्यूज नहीं कि आ गए हैं, थक गए हैं, कपड़े चेंज करने में समय लग गया, अरे अभी कोचिंग तो जाना है, थोड़ा आराम कर लेते, TV देख लेते, नहीं भाई, मेरा एक ही गोल था कि मेरे को नीट पर टॉप 10 रैंक चाहिए थी, ठीक है। फिर 3 PM कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी, तो अब ये वाली चीज़ तो आप छोड़ दो, सेल्फ स्टडी मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब मेरी कोचिंग थी, ठीक। तो 3 बजे मैं कोचिंग के लिए वैन लिया, वैन, ऑटो या कार जो भी लिया, या स्कूटी से कभी जा रहा था, तो स्कूटी से जाते वक्त तो मैं नहीं पढ़ाई कर सकता, ऑब्वियसली आई हैव टू बी अटेंटिव, बट हाँ अगर मैं किसी व्हीकल से जा रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन से जा रहा हूँ, तो हाँ मैं रिवाइज करते हुए जाऊंगा, कुछ ना कुछ रिवाइज करूंगा, जो कोचिंग में पढ़ाया गया था पिछले दिन वो रिवाइज करते हुए चल जाऊंगा, कुछ ना कुछ रिवाइज करता जाऊंगा, कम से कम ओवरव्यू ले लूंगा चैप्टर्स का। ये इंटेंट होना चाहिए, ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आपको एक एक क्षण यूज करना है अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में, राइट। क्लास चल रही है, क्लास की में आपने आराम से नोट्स बनाए पूरे अटेंशन के साथ, बिना इधर उधर हे हा हुआ किए हुए, ठीक है। डाउट्स पूछ लिए ब्रेक के बीच में, या तो आप डाउट चले गए डाउट काउंटर पे अपना डाउट्स पूछ लिए, या कुछ रिवाइज कर लिया, या MCQ प्रैक्टिस कर लिया। ये नहीं कि हंसी मजाक कर रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, इधर उधर की गॉसिप कर रहे हैं, अरे भाई
रणबीर कपूर आलिया की शादी हो गई है और उनका ना अल्ट्रासोनोग्राफी पे यूएसजी पे दो ट्विंस दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अभी के बात कर रहा हूँ, उस समय मैं भी ये सारी गॉसिप्स में एकदम पार्टिसिपेट नहीं करता था, क्योंकि एक ही गोल था यार, सिंपल सी बात है, पढ़ाई करना आता था, बड़ा सा गोल सेट किया कर रखा था और मैं अपने आप को उस लेवल पे ले जाना चाहता था कि मैं यू नो और बड़ा ड्रीम कर सकूँ लाइफ में और बड़ी चीज़ें अचीव कर सकूँ। ठीक है, 8 बजे कोचिंग अगर ख़त्म हो रही है, जैसे ही ख़त्म हुई हल्ला गुल्ला करने से अच्छा है चुपचाप यू नो कैब में बैठो, वैन में बैठो, पढ़ना शुरू करो और वापस आ गए। ठीक है, ब्रेक लिया थोड़ा सा डिनर और फॉर्मूला वॉर्मूला रिवाइज कर लिया। मैं तो यार डिनर टेबल पे भी बैठ के फॉर्मूला रिवाइज किया करता था। ठीक है, पापा को बोल दिया करता था कि आप ये सारी चीज़ें मेरे से पूछ लो, उनको भी चीज़ें याद नहीं रहती पर हाँ बेसिक तो पूछ सकते हैं कि हाँ चलो ऑप्टिक्स के फॉर्मूलाज बता दो, मतलब टेलीस्कोप के फॉर्मूला बता दो, तो मैं उनको बता दिया करता था। डिनर को भी मैं अच्छे से ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार तुम्हें, पूरे समय मैं कोशिश करता था कि पढ़ाई करूँ, क्योंकि ये सबसे हेक्टिक दिन है यार। अगर ये दिन मैं निकाल लिया, याद रखना सारा दिन इतना हेक्टिक नहीं होगा, पर अगर मोस्ट हेक्टिक डे पे आप एफिशिएंट बन जाते हो, ठीक है, तो वो एफिशिएंसी आप पे डिपेंड करती है कि आप वो एफिशिएंसी प्रैक्टिस कर लो लीस्ट हेक्टिक डे पे भी, तो आप सुपर प्रोडक्टिव हो जाते हो फिर, समझ रहे हो, इतनी एफिशिएंसी और आप विल पावर जनरेट कर लेते हो तो। ठीक है, 9 PM वापस आया, ठीक है, बैक टू स्टडी टेबल, पढ़ने बैठा, फ्री टाइम है, सेल्फ स्टडी का टाइम है, ठीक, नोट्स कंप्लीट किया अगर कुछ रह गए हैं तो, ओके, होमवर्क कर लिया, कोचिंग का कुछ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, ठीक, 2 घंटे का आराम से सेल्फ स्टडी का ये टाइम मिला, ये सब सारी चीज़ें मैंने कर ली। 11 PM टू 12 midnight तक मैं करीब सोने चला गया, कभी कभी हाँ एक्स्ट्रा जग के मैं पढ़ लिया करता था, ठीक है, एज पर द नीड मैं जग लिया करता था, फिर उधर पावर नैप ले लेता या बस में सो लिया होता, तो आप मतलब चीज़ें मैनेज हो जाती है, इंटेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर आपको मैं बताऊं सेल्फ स्टडी का कितना टाइम था, बस स्कूल होम प्लस वैन कोचिंग फ्री टाइम का, तो आप देख सकते हो आराम से बस में आप 1 घंटा तो आप निकाल लोगे स्कूल में आने जाने का समय में। ठीक है, बस में अच्छे से पढ़ाई करते हो हल्ला नहीं कर रहे हो तो, ठीक है, लड़कियों से बात कर रहे हैं स्कूल में और फिर रिलेशनशिप में यू नो कुछ ज़्यादा ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप आपकी हेल्दी है, एक दूसरे को आप प्रमोट कर रहे हो पढ़ाई के लिए, बहुत अच्छी बात, अदरवाइज इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर योर रिजल्ट। ठीक है, कॉलेज में आओ, गेट इन टू रिलेशनशिप, नो वन इज स्टॉपिंग यू, राइट, पर वहाँ पे इट इज गोइंग टू इंटरफेयर विथ योर एम्बिशन एंड योर गोल। ठीक है, रेयरली ऐसा होता है कि लोग मैनेज कर पाते, इतने मेच्योर ही नहीं होते हैं बच्चे, तो अलग ही बात है वो। फिर स्कूल में भी 2 घंटे आराम से आप रिसेस का बैक बेंच पे बैठ करके लाइब्रेरी जा करके टाइम सेव कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये मोस्ट हेक्टिक डे की बात कर रहा हूँ कि स्कूल में भी यार बहुत दबा के पढ़ाई चल रही है और टीचर तुम्हें किताब ही नहीं खोलने दे रहा। ठीक है, आपने तुम्हें मॉड्यूल्स खोलने नहीं दे रहा, NCERT नहीं पढ़ने दे रहा कोई और सब्जेक्ट की, अगर क्लास किसी और की चल रही है तो। होम प्लस वैन कोचिंग आराम से 2 घंटे तुम निकाल सकते हो आने जाने के टाइम में और कोचिंग में भी जब रिसेस आपका ब्रेक वेक होता है। ठीक, फिर रात को तो आपको 2 घंटे मिल गए 9 से 11, इतनी देर कई बार कोचिंग भी नहीं चलती है, समझ रहे हो, तो आप फिर भी यार 7 घंटे की मिनिमम सेल्फ स्टडी तो निकाल रहे हो। ठीक है, इससे ज़्यादा ही टाइम आपको मिल जाएगा अगर आप सच्ची में पढ़ना चाहते हो, सच्ची में पढ़ना चाहते हो आप इससे ज़्यादा टाइम निकाल लोगे अगर कम हेक्टिक दिन हो, इससे ज़्यादा हेक्टिक दिन नहीं होगा आपका। ठीक है, तो अब ये सोचो अगर वीकेंड सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे है आफ्टर द स्कूल आराम से 8 घंटे दबा के पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। संडे है 14 से 16 घंटे तो मिनिमम पढ़ना है, संडे है, हॉलीडे है, भाई हॉलीडे का क्या करोगे, दिवाली होली यार तुम एम्स में आके मना लेना, अपने कॉलेज में मना लेना, बहुत ग्रैंड लेवल पे मनाओगे बिना रिग्रेट के मनाओगे। तो मैंने तो यही सोच लिया था भाई कि मेरे को तो पूरा टाइम यूज़ करना है, पार्टी वार्टी भी हुई, अगर शादी में भी कभी जाना है तो बस NCERT की डायग्राम्स और फोटोज़ कैप्चर करके मैं मोबाइल में ले जाता, पीछे बैठ करके खाना खाता, चुपचाप पेट पूजा करता और पढ़ाई कर रहा होता। ठीक है, तो आई होप आपको यार मैंने एक अच्छा आइडिया दे दिया कि कैसे आपको यू नो अपना स्कूल और कोचिंग मैनेज करना है, कैसे मैं किया करता था, इससे आप काफ़ी कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने स्केड्यूल में। ये सबसे हेक्टिक दिन की बात कर रहा हूँ, किसी दिन अगर आपका सिर्फ 5 दिन स्कूल है, वीकेंड को अगर कोचिंग, तो डेली आफ्टर द स्कूल यू हैव एनफ टाइम टू स्टडी। ठीक है, ऑल्टरनेट डे है तो फिर ऑल्टरनेट डे आपके पास टाइम रहता है, या तो सुबह का टाइम रहेगा जिस दिन कोचिंग है और शाम का टाइम है जिस दिन स्कूल है, क्योंकि कोचिंग अगर शाम को हो रही है तो। डेली स्कूल और कोचिंग जैसे मैंने बताया, वीकेंड ऑफ है सपोज, तो ऐसे इस तरीके से भी आप बहुत समय निकाल सकते हो, पूरे वीक में आप आराम से 50 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो, 7 into 5, 35, 5 hours इधर मान लो 8 hours है और 10 hours इधर, मिनिमम 50 घंटे की पढ़ाई पूरी हफ्ते की कर सकते हो, दैट इज मोर देन एनफ आपको नीट और एम्स क्रैक करने के लिए,
राइट, एम्स का कोई भी कॉलेज क्रैक करने के लिए अगर कंसिस्टेंटली तुम ये करते हो तो. सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग. कोई और वीडियो आपको चाहिए होगा तो मेरे को बताइएगा, पर हाँ दबा करके मेहनत करो, बड़े गोल रखियो तो ईमानदारी से मेहनत करो. ऑल द बेस्ट यार, ठीक है. कोई और आपको वीडियो चाहिए यार तो ज़रूर से मेरे को बताइएगा.